गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, उसका थर्ड पार्ट. क्वेश्चन इज चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ गिवन फंक्शन. वी हैव टू चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ गिवन फंक्शन. सो हियर गिवन फंक्शन इज फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर. फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय f of x equal to x square. So we have to check injectivity and surjectivity of this function. Done? तो मैंने आपको कल बताया था कि इसको मैपिंग के डायग्राम से देखेंगे तो इजिली समझ में आ जाएगा, उसके बाद मैथमेटिकली स्टेटमेंट लिखेंगे. सो हियर आवर फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर. आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, सो डोमेन इज रियल नंबर, को डोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर. So this is our domain R and this is our codomain set of real number R. Function is f of x which is equal to x square. Function will take this x from its domain and it will give x square into its codomain. Done? So function is defined on set R. Set R is the set of all real numbers. So real number consists of, है ना, all negative integers, positive integers, उसमें भी with decimals, without decimals, सारे number real number के अंदर आएंगे. So it consists of -2, -1, 0, 1, है ना, decimal number भी लिखे 2.5, 3, 3.5, 4, up to infinite. This is the set of real number. Same way यहाँ पर भी infinite से लेके -3, -2, -1, है ना, 0, 1, 1.5, 2, 2.53, ऐसे लेके इन्फाइनेट तक नंबर्स होंगे. डन? सो नाउ वी हैव टू चेक विदर द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट. इंजेक्टिव मतलब 1-1 फंक्शन को हम बोलेंगे इंजेक्टिव. एंड वी हैव टू चेक सर्जेक्टिव विदर दिस गिवन फंक्शन इज सर्जेक्टिव और नॉट. सर्जेक्टिव मतलब 1-2. डन? तो देखो मैपिंग. सो व्हाट इज अवर फंक्शन? फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. x हम लेंगे यहां से डोमेन से, आउटपुट मिलेगा x square. सपोज इफ यू आर टेकिंग -3, सो -3 दैट इज इक्वल टू -3 स्क्वायर, सो -3 का स्क्वायर मिलेगा 9. तो -3 का स्क्वायर मिलेगा 9. दूसरा एक एलिमेंट ले ले 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9. सो हियर वी कैन सी इमेज ऑफ दिस -3 इज 9 एंड इमेज ऑफ दिस 3 इज 9. दिस टू एलिमेंट हैज सेम इमेज इन इट्स कोडोमेन. तो दो एलिमेंट की एक सेम इमेज आ गई तो कौन सा फंक्शन हो गया? इट्स अ मेनी टू वन, है ना, मेनी टू वन. मेनी एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, दो डिफरेंट एलिमेंट की एक सेम इमेज आ रही है, इसको हम बोलेंगे दिस इज नॉट 1-1 फंक्शन. डन? हमारा आंसर आ गया दिस इज नॉट 1-1 फंक्शन. दिस इज नॉट इंजेक्टिव. दिस इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन. डन? तो अभी इसको मैथमेटिकली लिखेंगे. मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सो हियर वी आर टेकिंग टू एलिमेंट्स, टू डिफरेंट एलिमेंट्स, -3 एंड 3. उसको जनरली बोलेंगे हम लेट्स से x1 एंड x2. हियर x1 इज -3 एंड x2 इज +3. सो लेट्स x1 x2 बिलोंग्स टू r, दैट r इज डोमेन. डन? सो हियर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. इफ टू इमेजेस आर इक्वल देन फॉर दिस 1-1 फंक्शन दिस टू एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल. अगर दो एलिमेंट इक्वल आ गए तो ये 1-1 फंक्शन है. अगर दो एलिमेंट इक्वल नहीं है तो ये 1-1 फंक्शन नहीं है. हमें पहले से पता है दिस फंक्शन इज नॉट 1-1 फंक्शन. देखो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. व्हाट इज f ऑफ x? x स्क्वायर. सो दिस फंक्शन विल गिव अस x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर. अंडरस्टूड? x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर. फंक्शन है ना f ऑफ x, x रखेंगे x स्क्वायर आएगा, तो x1 रखेंगे तो क्या आएगा? x1 स्क्वायर आएगा. f ऑफ x2, x2 रखेंगे तो x2 स्क्वायर आएगा. So x1 square equal to x2 square. Now if you are taking square root on both side, so x1 will be plus or minus x2. Plus or minus दोनों साइन आएगी क्योंकि x belongs to this real number. Real number के अंदर plus number minus number दोनों होते हैं. So x1 can be x2 or x1 can be equal to minus x2. And hence we can say for given function f of x is not, function is not 1-1 function. डन? 1-1 फंक्शन को हम बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शन.
So given function is not injective. Given function is not injective. Clear? Now next we have to check which is function is onto function. Onto function के लिए check करें. What is the requirement for any function to be onto function? Onto function के लिए जो सारे element co-domain में हैं, है ना? This is domain of function. This is co-domain of function. Co-domain के अंदर जितने भी element हैं, वो सारे element occupied होने चाहिए. सारे element occupied होने चाहिए. उसका मतलब ये सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, है ना? हमारा फंक्शन क्या है? तो जो भी नंबर डालेगी उसका स्क्वायर. तो आप खुद ही बताओ ये जो सारे नेगेटिव नंबर है वो सारे नेगेटिव नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर होंगे, है ना? माइनस वन का स्क्वायर करो प्लस मिलेगा, माइनस टू का नंबर का स्क्वायर करो प्लस मिलेगा, माइनस थ्री का नंबर का स्क्वायर करो प्लस मिलेगा. ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आउटपुट दे रहा है. तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है. तो यहाँ आप देख सकते हो कि नेगेटिव नंबर सारे छूट रहे हैं, है ना? इसके अलावा ये सब तो छूट ही रहे, लेकिन एक भी एलिमेंट अगर छूट जाए तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू. सो दिस वन इज नॉट ऑन टू फंक्शन. दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन. मैपिंग से ही पता चल गया कि सारे नेगेटिव नंबर्स छूट रहे, है ना? ये एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज ये डोमेन में हमें नहीं मिल रही है, है ना? तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे मैथमेटिकली? तो यहाँ पर स्टेटमेंट के लिए हम ऐसा लिखेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन. फॉर ऑन टू फंक्शन एक स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना? यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस वन या फिर माइनस टू या फिर माइनस थ्री कोई भी ले लो. सपोज ये नेगेटिव नंबर ले लिया, माइनस वन बिलोंग्स टू आर. ये आर कौन सा? ये वाला कि ये वाला? माइनस वन बिलोंग्स टू आर को डोमेन में, है ना? को डोमेन के अंदर एक ही एलिमेंट की हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे. ये को डोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट कौन सा है? माइनस वन ऐसा है. फॉर दिस माइनस वन बिलोंग्स टू आर देर इज not there is not any x belongs to r. कोई एक x ये element के लिए कोई x यहाँ पर नहीं है, इसकी कोई एक प्री इमेज नहीं है. x belongs to r that means domain, है ना? ये माइनस वन के लिए कोई भी एक प्री इमेज ये डोमेन के अंदर नहीं है. under the function f of x equal to x square. Clear? For this minus 1 belongs to R, there is not any x belongs to R such as that f of x equal to x square. Yeh minus 1 kisi bhi number ka square nahi hoga. And hence, we can say our given function f of x is not onto function. Done? Onto function ko kya likhenge? Surjective. Given function is not surjective. Clear? So our answer is, this given function is not injective and not surjective. Clear, students? Question number 4. Function f from n to n, where f of x is x cube. है ना? Domain and codomain change कर दिया और square की जगह पर cube दे दिया. So here we have to check whether this given function is 1-1 or 1-2. तो 1-1 और 1-2 के लिए, है ना, क्या करेंगे? मैपिंग डायग्राम से ही देख लेंगे. अगर आपको फीलिंग आ गई, है ना, फीलिंग आनी चाहिए कि फंक्शन 1-1 है कि नहीं है, 1-2 है कि नहीं. अगर आपको फीलिंग आ गई तो आप इजीली उसको प्रूव कर पाएंगे. सो हियर दिस फंक्शन इज फ्रॉम एन टू एन. एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफिनिट तक जाएगा. कोडोमेन, ये डोमेन, दिस इज कोडोमेन. दिस इज ऑल्सो 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफिनिट तक जाएगा. Given function f of x is x cube, है ना? F of x is x cube. X कहाँ से लेंगे? Domain से लेंगे. Output क्या मिलेगा? X cube. वो कहाँ पर मिलेगा? Codomain में, है ना? Simple मतलब function क्या दे रहा है? Domain के अंदर जितने भी number है वो सारे number का cube निकाल के दे रहा है. Simple function की definition क्या है? वो function जितने भी number domain में है उसका cube दे रहा है. तो देखो यहाँ पर 1 का cube क्या आएगा? 1, यहाँ पर 1 डालेंगे आउटपुट मिलेगा 1 क्यूब. सो 1 इक्वल टू 1. 1 की इमेज 1, 1 की प्री इमेज 1, है ना? इनपुट में 2 डालेंगे तो फंक्शन हमें 2 क्यूब करके क्या देगा? 8 देगा. 8, है ना? 2 का क्यूब 8. सो 2 की इमेज 8, 8 की प्री इमेज 2. 3 डालेंगे तो फंक्शन क्या देगा? 27. तो ऐसे करेंगे तो सारे जितने भी सारे यहाँ पर, है ना, नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर की हमें क्या मिलेगी? एक ना एक इमेज ये कोडोमेन में मिलेगी. क्लियर?
डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज है ना, सारे नंबर के क्यूब यहाँ पर मिलेंगे, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेंगे। दैट मीन्स जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट की इमेज यहाँ पर मिल रही है, सारे एलिमेंट की यूनिक एंड और वी कैन से डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है। एंड दैट्स व्हाई और गिवन फंक्शन इज 1 1, गिवन फंक्शन इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 तो हो गया है ना, ये हमें फीलिंग आ गई। 1 2 के लिए चेक करें, बारी बारी से मैं बोल रहा हूँ, 1 2 फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है, को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, कंडीशन फॉर दी 1 2 फंक्शन, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ दिस को डोमेन मस्ट बी ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मतलब देखो ये 1 ऑक्यूपाइड हो गया, 8 ऑक्यूपाइड हो गया, 27 ऑक्यूपाइड हो गया, दैट मीन्स 1 किसी ना किसी नंबर का क्यूब है, बट ये 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर छूट रहे, दैट मीन्स ये नंबर ऑक्यूपाइड नहीं हो रहे। ऑक्यूपाइड नहीं हो रहे मतलब ये 2 3 4 कोई भी नंबर का क्यूब नहीं है, ये किसी भी एलिमेंट का क्यूब नहीं है, डन। तो सारे एलिमेंट छूट रहे हैं, हेंस वी कैन से दिस इज नॉट 1 2 फंक्शन, डन, दिस इज नॉट 1 2 फंक्शन। बस अभी उसको मैथमेटिकली लिखना है, कैसे लिखेंगे, सो फॉर 1 2 फंक्शन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग टू एलिमेंट्स फ्रॉम दिस नेचुरल नंबर, सो लेट्स से टू नेचुरल नंबर्स x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, तो दो नेचुरल नंबर के लिए है ना, उसकी इमेजेस सपोज इक्वल आ गई, तो वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, एक्स वन विल गिव अस क्यूब ऑफ एक्स वन, सो एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू, एक्स टू क्यूब, दो नंबर का क्यूब इक्वल है, दैट मीन्स वो दोनों नंबर कैसे होंगे, इक्वल होंगे। चेक कर लो आप, किसी भी दो नंबर का क्यूब इक्वल है तो प्लस और माइनस साइन नहीं आएगा, दोनों नंबर इक्वल ही आएंगे। तो हियर टू इमेजेस आर इक्वल इंप्लाइज बोथ एलिमेंट्स आर इक्वल, एंड हेंस व्हाट वी कैन से, देयरफॉर वी कैन से एफ ऑफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन है, दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन, क्लियर। नाउ फॉर 1 2 फंक्शन, ये 1 1 था, फॉर 1 2 ये 1 1 था, नाउ वी हैव टू चेक फॉर 1 2 फंक्शन है ना, फॉर 1 2 फंक्शन एक स्टेटमेंट लिखेंगे सिर्फ और बात को खत्म करेंगे, क्या लिखेंगे, ये सारे एलिमेंट छूट रहे, सो हियर वी कैन राइट फॉर फॉर वन एलिमेंट टू बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर, दैट मीन्स इन को डोमेन, को डोमेन के अंदर एक टू ऐसा है कि उसके लिए फॉर टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देर इज नॉट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एन, वो एन आ गया डोमेन का, देर इज नॉट एनी एक्स इन दिस नेचुरल नंबर अंडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, ये टू की कोई प्री इमेज यहाँ पर नहीं मिल रही है, थ्री की भी नहीं मिल रही है, सारे एलिमेंट छूट रहे हैं, एंड हेंस वी कैन से आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन मतलब सब्जेक्टिव, क्लियर स्टूडेंट्स। सो दिस केस दिस फंक्शन इज 1 1, दिस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू फंक्शन, डन, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 विच इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4, हियर वी आर गिवन फंक्शन एफ फ्रॉम जेड टू जेड, देखो जेड टू जेड आ गया है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में था फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर वॉज गिवन, नाउ हियर सेट ऑफ इंटीजर इज गिवन, एंड वी हैव टू चेक विदर दिस गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1 एंड 1 2 और नॉट, बोलो क्या करेंगे, मैपिंग से पहले चेक करेंगे कि हो क्या रहा है फंक्शन में है ना, इसके अंदर हो क्या रहा है वो चेक करेंगे। तो ये जेड आ गया, ये भी जेड आ गया, ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया, सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, जेड इंटीजर्स है तो उसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर और जीरो आएगा, सो इन्फाइनाइट से लेके -3 -2 1 0 1 2 3 अप टू इन्फाइनाइट तक जाएगा है ना, सेम वे ये भी -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फाइनाइट तक जाएगा। फंक्शन कर क्या रहा है, एक्स को डोमेन में से ले रहा है और एक्स क्यूब करके डोमेन को डोमेन में हमें आउटपुट दे रहा है, तो चेक करो
क्या चेक करें? सिंपल कि वन का क्यूब करेंगे वन आएगा, वन का क्यूब वन आएगा, टू का क्यूब करेंगे, टू का क्यूब करेंगे यहां पर कहीं पर भी एट आएगा, तो एट आएगा है ना। जीरो का क्यूब करेंगे जीरो आएगा, माइनस वन का क्यूब करेंगे तो माइनस वन आएगा, माइनस टू का क्यूब करेंगे तो माइनस एट आएगा। तो जितने भी एलिमेंट है ना डोमेन के अंदर, जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का क्यूब यहाँ पर प्रेजेंट है। देखो कोई भी नंबर ले लो सबका क्यूब, ये जो जेड है उसके अंदर प्रेजेंट है, नेगेटिव होगा तो भी प्रेजेंट है, पॉजिटिव है तो भी प्रेजेंट है। विच मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस डोमेन हैज इमेज है ना, कौन सी इमेज? यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन दिस कोडोमेन है ना। किसी भी दो नंबर की सेम इमेज नहीं आएगी, किसी भी दो नंबर का क्यूब सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। एंड हेंस वी कैन से दिस फंक्शन इज वन वन। तो ये वन वन फंक्शन ऐसा हमें फील आ गया। वन टू के लिए चेक करें, वन टू के लिए चेक करें क्या करना है? वन टू के लिए सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए। तो क्या सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो रहे हैं? है ना, ये देखो टू देखो थ्री देखो, ये किसी भी नंबर के क्यूब नहीं होते, परफेक्ट क्यूब नंबर होता है वन एट उसके बाद 27, बीच के सारे नंबर छूट गए। तो सारे एलिमेंट कोडोमेन के अंदर ऑक्यूपाइड नहीं हो रहे, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट वन टू फंक्शन। बस इसको भी लिख के दिखाना है, डन। सो नाउ फॉर वन वन फंक्शन, फॉर वन वन फंक्शन व्हाट वी आर डूइंग, सेम वन एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू जेड से टू एलिमेंट लेंगे। सपोज इमेजेस ऑफ दिस टू एलिमेंट्स आर इक्वल, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो दिस इंप्लाइज क्या आएगा, एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू क्यूब, दोनों एलिमेंट्स इक्वल आ गए, डन। हेंस वी कैन से अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज वन वन फंक्शन, फंक्शन इज वन वन फंक्शन, और वी कैन से इट इज इंजेक्टिव है ना, क्वेश्चन में हमें इंजेक्टिव वर्ड दिया हुआ है। सो गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव। नाउ फॉर वन टू, वन टू के लिए सेम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कोई भी एक एलिमेंट ले लो, सपोज टू ले ले। सो फॉर वन टू फंक्शन वी कैन से टू बिलोंग्स टू सम जेड, जेड मतलब को डोमेन, फॉर दिस टू बिलोंग्स टू को डोमेन देर इज नॉट एनी एक्स बिलोंग्स टू जेड, डोमेन के अंदर कोई इसकी प्री इमेज नहीं है, है ना। ये जो एलिमेंट टू है, जो हम टू की बात कर रहे हैं, टू कोई भी नंबर का क्यूब नहीं है, दैट मीन्स ये टू का ये एलिमेंट के साथ किसी के साथ रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स टू की कोई प्री इमेज यहाँ पर नहीं है, तो टू ऑक्यूपाइड नहीं हो रहा है ना। बहुत सारे स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो, एंड हेंस देयर इज नॉट एनी एक्स बिलोंग टू जेड फॉर एक्स फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये फंक्शन के अंदर इसका कोई प्री इमेज यहाँ पर नहीं मिल रहा है, एंड हेंस वी कैन से और एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f of x is not onto function, onto function मतलब surjective, function is not surjective, done। So conclusion is this function is injective but not surjective, done। So this is your question number 5 students। Okay students, now we'll try to solve question number 3, question number 3। So what is the question number 3? Question number 3 says that greatest integer function, here we are given one greatest integer function, function f from, function f from r to r, है ना। ये वर्ड सुन के ही बच्चे वैसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि ये क्या आ गया। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x इज नथिंग बट दी बॉक्स x, है ना, बॉक्स x। So greatest integer function is given, function f from R to R, where f of x equal to box x. So we have to prove that this greatest integer function is neither 1 1 nor 1 2. ये 1 2 भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है, ऐसा प्रूव करना है। Prove that this given function is neither 1 1 nor 1 2, and also we are given the definition of this box x, है ना। Greatest integer function हमने 11th standard में study कर दिया है, लेकिन एक साल हो गया है तो शायद आप लोग भूल गए होंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन भी दी हुई है ना। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? सो दिस बॉक्स एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन
और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन दे दी। डन, हमें प्रूव करना है कि दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर 1 2। तो पहले तो देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, है ना। तो हमने स्टडी किया था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, पहला पार्ट ये ग्रेटेस्ट और दूसरा पार्ट यहां से लेके लास्ट तक इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी जाके हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क करेगा। तो दो पार्ट हो गए, तो पहला दूसरा पार्ट कंसिडर करो, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। सपोज हमने ले लिया एक्स इक्वल टू 2.5, एक्स इक्वल टू 2.5, तो ये हो गया बॉक्स 2.5, बॉक्स 2.5। तो अभी इसकी डेफिनेशन क्या, इतना पार्ट कंसिडर करें तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स हो गया हमारा 2.5। तो 2.5 से लेस देन जितने भी इंटीजर आएंगे वो आपको लिखने हैं। तो 2.5 से लेस देन इंटीजर कौन से आएंगे, 2.5 से छोटा छोटा, तो आएगा 2, 1, 0, -1, इन्फिनिट। अभी दूसरा पार्ट, ये हमने क्या लिखा, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो एक्स हमारा 2.5 था, तो इंटीजर लेस देन इक्वल टू दिस 2.5 और दिस वन, और उसमें से ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट सबसे महान सबसे बड़ा 2, तो हमारा आंसर आ गया बॉक्स 2.5 इज इक्वल टू 2। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। नाउ ये तो एक्स वन की पहली वैल्यू थी, अभी हम एक्स टू इक्वल टू 2.3 ले ले, सपोज 2.3, तो क्या होगा बॉक्स 2.3, तो इसकी वैल्यू चेक करें तो यहां पर आएगा इंटीजर, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.3, 2.3 एक डेसिमल नंबर है, उससे छोटे सारे इंटीजर्स बोलो 2.3 से छोटे, लेफ्ट साइड पर जाना पड़ेगा नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड पर जाएंगे 2.3 से छोटा छोटा बोलो कौन सा आएगा, 2, 1, 0, -1, -2, इनफाइनाइट तक आएगा। तो हो गए इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2.3, लेकिन उसमें से ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा 2, सो हियर दिस बॉक्स 2.3 इज ऑल्सो 2, है ना। बस यही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था, समझ में आ गया व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू डालेंगे उसका आउटपुट ऑलवेज क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट ऑलवेज क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। आप यहाँ पर कोई भी डेसिमल नंबर डाल दो उसका आउटपुट हमेशा इंटीजर के फॉर्म में आएगा। डन, ये तो हमने सिर्फ स्टडी किया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, अभी हमें चेक करना है कि दिस गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट। तो मैपिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सो फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर, सो लेट्स से दिस वन इज फंक्शन आर, दिस इज आर विच इज कोडोमेन, है ना। रियल नंबर लेने हैं तो रियल नंबर के अंदर आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, डेसिमल नंबर्स, है ना। तो सारे नंबर हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, तो ये आ गया -3, -2, -1.5, -1, 0, 1, 2, 2.5, है ना, 2.3, जैसे जैसे सारे ले लिए। सेम वे यहाँ पर भी सारे नंबर्स आएंगे, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, फ्रैक्शन, सारे कुछ नंबर आएंगे। तो -3, -2, -1.5, -1, 0, 1, 2, 2.5, 3, सारे नंबर आएंगे। डन, अभी चेक करो, और फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, तो हमारा फंक्शन क्या है, और फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप इनपुट में कोई भी वैल्यू डालेंगे वो आउटपुट ऑलवेज क्या देगा, ये आउटपुट में ऑलवेज इंटीजर ही देगा, आउटपुट में ऑलवेज इंटीजर ही देगा। डन, तो यहां पर हमने दो नंबर लिए, कौन से दो नंबर, है ना, एक्सप्रेशन में ले लिए हमने दो नंबर, कौन से दो नंबर लिए, 2.3 एंड 2.5। दैट मीन्स ये दो नंबर हम अगर डोमेन में से लेंगे, अगर यहां पर हम 2.3 डालेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स में 2.3 डालेंगे, तो जो हमारा फंक्शन है वो आउटपुट में क्या देगा, 2.3 का भी आउटपुट 2 देगा और 2.5 का भी आउटपुट क्या देगा, 2। सो हियर वी कैन से दिस टू एलिमेंट्स इन डोमेन, दिस टू एलिमेंट्स इन डोमेन हैज सेम इमेज इन कोडोमेन, दो एलिमेंट की एक सेम इमेज आ गई, तो क्या ये 1 1 फंक्शन है, दो एलिमेंट की एक इमेज आ रही है तो क्या ये 1 1 फंक्शन है, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, दिस इज मेनी टू 1 फंक्शन। सो 1 1 फंक्शन हमने चेक कर लिया कि ये नहीं है, क्लियर हुआ। अभी सिर्फ फील ला रहे हैं, है ना, और उसके बाद 1 2 के लिए, 1 2 के लिए भी हमें पता है
कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट में ऑलवेज इंटीजर नंबर ही देगा, लेकिन यहाँ पर कोडोमेन तो हमारा रियल नंबर आर है, तो रियल नंबर आर के लिए जो सारे डेसिमल पॉइंट वाले नंबर आ रहे हैं वो तो आएंगे नहीं, है ना, वो सारे नंबर छूट जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर में क्या होता है, नेगेटिव नंबर, जीरो, पॉजिटिव नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट वाले भी नंबर होते हैं, तो सारे एलिमेंट छूट जाएंगे, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो हमें प्रूव करना था कि दिस गिवन फंक्शन इज नीदर ऑन टू नीदर नॉर वन वन फंक्शन। डन, तो अभी इसको मैथमेटिकली लिखेंगे। सो लेट्स से फॉर एक्स वन इक्वल टू, है ना, दो नंबर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में लेंगे, 2.3 बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड अदर नंबर एक्स टू विच इज इक्वल टू 2.5 बिलोंग्स टू दिस रियल नंबर। ये दो नंबर हमने ले लिए, तो क्या इन दोनों की इमेज इक्वल आ रही है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। सो वॉट इज एफ ऑफ एक्स वन, इट्स एफ ऑफ 2.3 एंड दिस वन इज एफ ऑफ एक्स टू, एक्स टू इज 2.5, है ना, एफ ऑफ 2.3, 2.3 मतलब एफ ऑफ एक्स तो बॉक्स एक्स होगा, सो एफ ऑफ 2.3 मतलब बॉक्स 2.3 होगा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 2.5, दैट मीन्स बॉक्स 2.5। सो वॉट इज बॉक्स 2.5, बॉक्स 2.5 इज नथिंग बट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू 2.3। तो ये आ गया, है ना, ये डिराइव किया, बॉक्स 2.3 की वैल्यू क्या आ रही है 2 एंड बॉक्स 2.5 की वैल्यू क्या आ रही है 2, है ना। सो हियर इमेजेस आर इक्वल बट दिस एक्स वन एंड एक्स टू आर नॉट इक्वल, है ना, बट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू। देखो दोनों की इमेज इक्वल आ गई, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू इमेज इक्वल आई, बट दिस टू एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, एंड हेंस वी कैन से गिवन फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन। पहला पार्ट पूरा हो गया, दिस गिवन फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन। अंडरस्टूड? अभी वन टू के लिए लिखेंगे, वन टू की बात एक स्टेटमेंट में खत्म करेंगे। फॉर वन टू फंक्शन क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज गिव्स आउटपुट एज ए इंटीजर, है ना, तो यहां पर सारे डेसिमल पॉइंट छूट जाएंगे, तो इसको यहां पर ले लोगे 2.5, सो हियर वी कैन से फॉर 2.5 बिलोंग्स टू आर, ये आर आ गया हमारा कोडोमेन का, कोडोमेन फॉर 2.5 बिलोंग्स टू आर, दैट मींस एक एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा है जिसकी कोई फ्री इमेज यहां पर डोमेन में नहीं मिल रही है। डन, सो दिस 2.5 बिलोंग्स टू आर, देयर इज नॉट एक्स बिलोंग्स टू आर, डोमेन के अंदर कोई इसकी प्री इमेज नहीं है, है ना, अंडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, एंड हेंस वी कैन से एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। सो हियर वी हैव शोन दैट दिस गिवन फंक्शन फ्रॉम एफ, अ गिवन फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू फंक्शन, neither one one nor onto function। Clear students? Very simple question। आपको सिर्फ feel आनी चाहिए कि ये function one one है कि नहीं है, और वो feel आप ये mapping diagram draw करेंगे तो easily आ जाएंगे। Done? इसको note down करो अभी।